नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा तरीन खबरों पर। अनंतनाग में बड़ा धमाका, मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में फटा सिलेंडर, कई लोग घायल। MCCH अनंतनाग के एक अधिकारी ने बताया कि हॉस्पिटल में यह विस्फोट टिकट सेक्शन में हीटिंग गैस रिसाव की वजह से हुआ है। उन्होंने बताया कि घटना में कुछ कर्मचारी समेत कई लोग घायल हो गए। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, ऑपरेशन गंगा में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने में करेगी मदद। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद भारत ने 26 फरवरी को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अपने फंसे हुए लगभग 14,000 नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू किया था। अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित, जासूसी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाया आरोप। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी ने एक बयान में कहा कि रूसी राजनयिकों ने जासूसी गतिविधियों में शामिल होकर अमेरिका में रहने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। आज ही छोड़ दे कि रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीय दूतावास का अपने नागरिकों को बड़ा अलर्ट। यूक्रेन रूस जंग के बीच भारतीयों को आज ही कीव खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने इस बाबत एडवाइजरी जारी की है। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए आई बुरी खबर, रूस के बाद बेलारूस ने भी किया ऐलान है जंग। खोइनिकी के ऊपर एक लड़ाकू विमान उड़ता देखा गया, जो काफी कम ऊंचाई पर बॉर्डर की ओर जा रहा था। इसके अलावा दक्षिण की ओर गया एक हेलीकॉप्टर 10:30 बजे देखा गया था। बलिया में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, बोले बड़े नेता बड़ा और सबसे बड़े नेता बोल रहे सबसे बड़ा झूठ। यूपी में 5वें चरण के चुनाव के बाद अब 6वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव होना है। 6वें चरण का मतदान 3 मार्च को कराया जाएगा। रोमानिया से एक और विमान पहुंचा दिल्ली। यूक्रेन में फंसे 218 भारतीयों को लाया गया। भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसके तहत मंगलवार को रोमानिया से 218 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। मणिपुर की वर्चुअल रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राज्य को लूटने पर रहा इनका पूरा ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर वार किया। दिल्ली में अब एक शराब की बोतल खरीदने पर दूसरी नहीं मिलेगी फ्री, सभी छूट खत्म। MRP पर ही खरीद सकेंगे आप शराब। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की बोतल पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब बोतल पर लिखे MRP पर ही शराब खरीदी जा सकती है। 22 राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी दिल्ली। एनकाउंटर के बाद 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 शार्प शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से करीब 22 राउंड गोलियां चली। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के साथ कई राजनेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। भीलवाड़ा में तेल फैक्ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखी लपटें, आसपास का इलाका कराया गया खाली। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में मंगलवार को एक ऑयल फैक्ट्री में सुबह करीब 6 बजे भयानक आग लग गई। गोदाम के अंदर खाद्य तेल होने के चलते आग तेज लगी और आग लगने से फैक्ट्री में करीब 60 लाख रुपये से ज़्यादा के नुकसान का अंदेशा है। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत। यूक्रेन के खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन से जुड़े 17 FIR को वापस लेने की दी मंजूरी। 26 जनवरी को हुई हिंसा से भी जुड़ा है एक केस। दिल्ली सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज 17 मामलों को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इसमें एक मामला पिछले साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा से भी जुड़ा है। यूक्रेन का दावा, रूस के 29 एयरक्राफ्ट मार गिराए, यूक्रेन से पलायन तेज। खाली यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित विशेष सत्र में गंभीरता से चर्चा की गई। ऑक्तिरका में रूस ने मिलिट्री बेस पर किया हमला, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की हुई मौत। रूस के हमले में 70 से ज्यादा यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। यह हमला खार्किव और कीव के बीच बसे शहर ऑक्तिरका में हुआ। जंग के बीच यूक्रेन से भारी संख्या में लोग पलायन को मजबूर। यूरोपीय संघ ने शरणार्थियों के लिए बनाई योजना। यूरोपीय संघ ने यूक्रेनियों को 3 साल तक रहने का अधिकार देने के लिए योजना बनाई है। भारी संख्या में लोग पोलैंड, हंगरी और रोमानिया समेत अन्य देश में शरण ले रहे हैं। न्यूज 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतने ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 21।